फाइनली रेडी और अभी 9:30 बज रहे हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं एंड आई एम गोइंग एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। तो मनोज और ज्योति का रिसेप्शन था 9 तारीख को। इनविटेशन मेरे पास भी बहुत पहले ही आ चुका था बट आई वॉजेंट श्योर कि मुझे ये तो पता था मुझे जाना है बट कैसे जाना है उसके लिए और कैसे कैसे हम गए थे उसके लिए आपके लिए एक अलग ब्लॉग आएगा। बाय द वे रिसेप्शन काफ़ी अच्छा हुआ था और मैं बता दूँ कि बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स आए थे मनोज की कैटेगरी के, जो टेक कैटेगरी के हैं उनके, उसके ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं फेमस, सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे आए थे। जैसे टेक्निकल योगी सर, महात्मा जी टेक्निकल सर, इसरार सर, जुन्नू की टेक, सब बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटर्स आए थे। बट इट वॉज जस्ट दैट आई वॉज द ओनली गर्ल सो आई फेल्ट वेरी शाय टू यू नो वहाँ पे उनसे मिलने जाने के लिए, सो आई डिडंट गो। बट सब लोग आए थे, एक्चुअली हम लोग सेम फ्लाइट पे ही थे सब लोग। ज़्यादातर उनकी भी फ़्लाइट दिल्ली टू दुर्गापुर थी, मेरी भी फ़्लाइट दिल्ली टू दुर्गापुर थी, तो हम सेम ही फ़्लाइट में आए थे और साथ साथ दुर्गापुर से धनबाद भी हम लोग सेम ही आए थे। बाय द वे रिसेप्शन की अगर बात करें तो इट वाज वेरी नाइस और जो डेकोरेशन एंड एवरीथिंग था वो भी काफ़ी यू नो लाइटन अप, वैसे थोड़ा जैसे चमचम नहीं होता है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब रिसेप्शन और इन चीज़ों में डल मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद है शादी में या इन चीज़ों में, मतलब लगना चाहिए कि रिसेप्शन है या कुछ शादी है या कुछ खुशी का मौका है, तो वैसा डेकोरेशन था, बहुत अच्छा था और फ्लावर्स एंड ऑल का भी डेकोरेशन करवाया हुआ था, लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर वॉट आई वॉज़ एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज़ कि मैं मेरी एक सिंगल वीडियो बनवाने की कोशिश कर रही थी जो नहीं बन पा रही थी क्योंकि सब कोई बीच में आ जा रहा था, तो मैंने दूसरा टेक लिया। उसके बाद फिर शायद मैंने अभी वीडियो में आप लोग देखेंगे कि इसके बाद मैंने तीसरा टेक भी लिया था और उसके बाद मैंने चौथा टेक भी लिया था बट वो वीडियो में नहीं आ पा रहा था। तो दिस वाज द गाउन दैट आई वोर और ये मेरे पास पहले का था, मैंने नया नहीं ख़रीदा था क्योंकि एंड मोमेंट पे मुझे कुछ नया मिला ही नहीं था तो मैंने यही पहन लिया था। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सिंपल और यू नो थोड़ा सा लाइट चाहिए था कि मैं कुछ लाइट पहनूं तो कंफर्टेबली क्योंकि घूम पाऊं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए थे सुबह के सफ़र से तो इतना एनर्जी नहीं थी कि कुछ लहंगा वहंगा उठा उठा के चल पाते, सो आई वोर दैट गाउन। और ज्योति और मनोज यहाँ पे दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। ज्योति भी माशाल्लाह शी इज़ प्रिटी बट शी वॉज लुकिंग प्रिटियर, अच्छे लग रहे थे दोनों, बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन इन लोगों के पास इतनी ज़्यादा भीड़ थी इन लोगों के पास, दोनों के पास, कि मुझे ज़्यादा जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वो तो एक्चुअली बाद में सीनू को मैंने देखा तो वो हम लोग को लेके गया था, अदरवाइज हम तो भीड़ में कोई जाते क्योंकि मिनट मिनट पे क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर्स आए हुए थे। मैंने तो बाद में व्लॉग में देखा, उस समय तो क्योंकि हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं उस समय तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि कितने सारे हमारे साथ जो जो फ्लाइट में आए थे मुझे तो उन सबका पता था, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हुए थे। तो मनोज और ज्योति के पास तो टाइम ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि मिनट मिनट पे स्टेज खाली ही नहीं हो रहा था, जितनी देर हम थे उतनी देर हमने स्टेज तो खाली होते देखा, सबको ही आ रहा था फोटो खिंचाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए, रील बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि मेरी बारी कब आएगी क्योंकि आई वॉज दी ओनली गर्ल जो गई थी, मे बी आई एम नॉट श्योर बट जहाँ तक मुझे पता है बाकी सब मेल क्रिएटर्स थे, ठीक है। तो मैं स्टेज के नीचे खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बारी कब आएगी, बट फाइनली सीनू आया एंड मनोज सॉ मी, सो तो तब मैं स्टेज के ऊपर गई थी। तो दैट टाइम आई हैड माई फ़ोन, तो मैंने एक सेल्फ़ी क्लिक करी थी जो मैं यहाँ कहीं पे अटैच कर दूँगी। वीडियो तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे ये रहता है हमेशा कि वेन एवर आई गो
आई एम नॉट दैट वन व्लॉगर टाइप की जो इतना खुल खुल के व्लॉग कर सके, वीडियो बना सके, या उन लोगों से स्टेज पे कुछ बुलवा सके मेरे वीडियो में, या मैं खुद भी बोल सकूँ, आई एम नॉट दैट वन. तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने खाली एक सेल्फी क्लिक करी थी जो कि मैं कहीं पर अटैच कर दूंगी वीडियो में. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, और इतनी दूर से भी मैं जितना कैप्चर कर पाई दोनों को, मैंने उतना कैप्चर कर लिया है. बहुत कुछ फ़ोटोज़ होंगी दोनों के सिंगल, तो मैं लगा दूंगी. इतनी दूर से कैप्चर ही नहीं हो पा रहा था वो, तो मैं बहुत जूम कर करके देखा तो थोड़ा बहुत वीडियो में आ पा रहा था. अदरवाइज़ क्योंकि बाउंसर भी थे और बहुत सारे यू नो मेल क्रिएटर्स थे, मेल फ्रेंड्स एंड ऑल भी थे, तो मुझे नहीं वो लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ बीच में, तो मैं दूर से बस जूम कर करके यू नो देख रही थी. बट अगर बात करी जाए रिसेप्शन की, तो रिसेप्शन वाज वेरी नाइस, द डेकोरेशन वाज वेरी गुड, फूड वाज वेरी गुड, और इतने सारे क्रिएटर्स थे, बहुत सारे क्रिएटर्स थे. मनोज की कैटेगरी के तो ऑलमोस्ट सब लोग थे, और भी अदर कैटेगरी के भी, और व्लॉगर की अगर हम बात करें तो अदर व्लॉगर्स भी थे, बहुत सारे थे. मैंने बाद में जब यूट्यूब पे उनके व्लॉग्स देखे तब मुझे समझ में आया, अच्छा ये वो थे, ये वो थे, ये वो थे. और यहाँ पे मुझे ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसमें चलते चलते अपनी वीडियो बना रही. बाय द वे आई एंजॉयड वेल. बाय बाय, टेक केयर.